डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो आज की वीडियो के अंदर हम जो फिजिक्स का बोर्ड की तरफ से शाया करदा पेपर है उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है आज हम उसको डिटेल से देखेंगे इस पेपर में भी आप लोगों को टोटल एक घंटा और 45 मिनट दिए जाएंगे और इस पेपर के टोटल 48 मार्क्स होंगे ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसको भी दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है एक हमारे पास है जी पार्ट वन और दूसरा है पार्ट टू पार्ट वन में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जबकि पार्ट टू के अंदर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे पार्ट वन में सबसे पहले पार्ट आ जाता है पार्ट पार्टी क्वेश्चन नंबर टू का इनमें से कोई से पांच अजसा के मुख्त जवाब आपने लिखने तो चलते हम सबसे पहले इन क्वेश्चन की जान सबसे पहला क्वेश्चन है वाट इज मीन बाय ऑफ वेव्स डिफ्रैक्शन ऑफ वेव से क्या मुराद है नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान कीजिए डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन okay, है बोलियन अल्जबरा क्या है वाट इज बोलियन अलजबरा रोजमर्रा जिंदगी से ऐसी मिसालें बताइए जो सिंपल हारमोनिक मोशन की खूसियत रखती हैं थिंक ऑफ सेवरल एग्जाम्पल्स डेट आर सिंपल हारमोनिक मोशन उसके बाद हैथोड रे और सीलोस्कोप के दो इस्तेमाल लिखे हॉ डनेस एफेक्ट इट्स फोकल लेंथ लेंस की मोटाई इसकी फोकल लेंथ को किस तरह मुतासर करती है कंट्रास्ट एनालॉग अलेक्ट्रॉनिक विद डिजिटल अलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मुआजन कीजिए इन द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शरात बयान कीजिए यहाँ तक आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें से भी आपने कोई से पांच क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय जीरो बेल जीरो बेल से क्या मरा है ये लाउडनेस वाले चैप्टर से डिफाइन फेराइड फेरेड की तारीफ़ कीजिए वाट इज़ सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्या है डिफ्रेंशियट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड साउंड की पिच और क्वालिटी में फर्क बयान कीजिए इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर मकदार है इसकी सम्मत क्या होगी राइट एनी टू यूज ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के कोई से दो इस्तेमाल है तहरीर कीजिए ऑन वट फैक्टर्स लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स साउंड की लाउडनेस का इसार किन अवामल पर होता है वट इज़ इंटरनेट

म दैम ट्रांसफार्मर में कितनी कॉल इस्तेमाल होती है उनके नाम भी लिखिए राइट डाउन एनी टू यूज रेडियो एसटोप रेडियो एसिटोप्स के कोई से दो इस्तेमाल लिखिए वट ड न्यूक्र ट्रांसमिशन मीनस न्यूक्र ट्रांसमिशन से कैमराज है कंस्ट्रक्ट अड रेले सर्कट लेबल शुदा रेल सर्कट बनाइए कंपेयर आ सेल विद अ बैटरी एक सेल का बैटरी के साथ मुआजन कीजिए यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका पार्ट टू स्टार्ट हो जाएगा इसमें आप लोगों को टोटल तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने कोई से दो क्वेश्चन इसमें से करने हैं हर एक क्वेश्चन के नो no मार्क्स होंगे सबसे पहला क्वेश्चन है करीब नजरी का बीज नजरी से मुआजना कीजिए कंट्रास्ट माओपिया विद हाइपर मेट्रोपिया ये आपने देख सकते हैं आपने इसके टोटल चार डिफरेंस लिखने हैं और यह चार नंबर का आपका क्वेश्चन है उसके साथ होगा न्यूमेरिकल वो पांच नंबर का होगा यहाँ पे जो नमेरिकल है आ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनम आस्ट्रोनम द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 0.9 पॉइंट नाइन सेकेंड वट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून ठीक है आपको उसकी लेंथ यानी कि लंबाई दी गई है और साथ आपको उसका टाइम पीरियड दिया गया है पेंडुलम का और चांद के ऊपर कंडीशन है कि उसको चांद पर ले जाया गया है वहां पे जाके आपने इसके जी की कीमत फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉमेशन के बहाव की तारीफ कीजिए और इसकी शक्ल बनाकर वजाहत कीजिए डिफाइन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन इट विद डायग्राम ये आप देख सकते हैं ये इसकी डिफाइन है उसके बाद ये दो नंबर इसकी जो शक्ल की वजाहत और एक नंबर इसकी डायग्राम का ठीक है सबसे चार नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया इसका जो नमेरिकल है वो है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ जीरो पॉइंट वन न्यूटन वन दे आर फाइव सेंटीमीटर अपार्ट फाइंड बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर टू सेंटीमीटर अपार्ट ओके दो चार्जेस हैं वो पाँच सेंटीमीटर के फासले पर वाकई है और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपेल है वो 0.1 न्यूटन की है अगर हम दो चार्जेस ऐसे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने फाइंड आउट करनी है सेम चार्जेस डिफरेंट चार्जेस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने फाइंड आउट करनी है अगर उनके दरम्यान फासला वो 2 cm का हो वहां पर हमने फिर क्या मालूम करनी है हमने वहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करनी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामल की वजाहत कीजिए ये देख लें डेफिनेशन और बाकी ये तीन उसके फिर अवामल हो जाएंगे ठीक है ये चार नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पांच नंबर का इसका भी नोमरिकल है कोबाल्ट 60 इज अ रेडियक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 इयर्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 इयर्स रेडियक्टिव कोबाल्टी है उसकी हाफ पाँच छो पाँच साल है छब्बीस साल बाद कोबाल्ट कोबाल्टी की असल मकदार का कितना बाकी हिस्सा दरकार होगा ठीक है ये बाकी यानी कि कितना रह जाएगा छब्बीस साल बाद वो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है तो ये था जी हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट इसका फिजिक्स का इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़